अब तो वहां निकाह होने वाला होगा। अब पता चलेगा बड़े मामू को इनकी औकात। लगता है यही वक्त मेरे जाने का सही है। अनिका ने सबको सब कुछ बता तो नहीं दिया? मुताहिर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आप हॉल मत जाइएगा, डायरेक्ट घर आइएगा। हम सब भी घर जा रहे हैं। आप घर आ जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या कर दिया तुमने अनिका? मुझे तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। तुम शादी या निकाह का मतलब समझती हो? ऐसे कैसे किसी से भी निकाह कर सकती हो तुम? सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तुम तो इतनी समझदार थी अनिका, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं जानती हूँ अनिका, तुम्हें अब पछतावा हो रहा होगा कि काश तुम ये सब कुछ करने से पहले किसी से मशवरा कर लेती, किसी से पूछ लेती, मुझसे शेयर कर लेती। तुम्हें उमेर के साथ अच्छा नहीं किया अनिका। तायाबू मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते, तुमने उनके साथ ये सब कुछ किया। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, लेकिन मैं उमेर से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मगर क्यों अनिका? उमेर में क्या बुराई है? तुम पसंद करती थी ना उसे, मोहब्बत थी ना वो तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से ये शादी हो रही थी। हाँ, नहीं करती थी मैं मोहब्बत। अनिका, तुम ये बात कह रही हो? उमेर तो तुम्हारी पसंद था ना? अनिका, तुम्हारी जिद की वजह से ये शादी हो रही है, और तुम कह रही हो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। तुम जानती हो, ताइमी ने जब मुझे फोन किया तो वो रो रही थी। हमने सब मेहमानों से ये बहाना तो कर दिया कि चच्ची बीमार है, मगर लोग इतने बेवकूफ नहीं है, जाते हुए हजार बातें बनाकर गए हैं। क्या किया तुमने ये? तुम्हारी वजह से ताई अबू की इज्जत पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिल गया। क्या तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो ना, तो जाओ जाकर ताए जान को समझाओ। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी बेहिसी देख रही हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तो साफ साफ कह दो ना कि तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहती। जब मदद करने का टाइम था तब तो तुमने मुझे पुकारा नहीं। मुझे बताओ, तुमने किससे निकाह किया? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? मैं जानती हूँ उसे। अनिका, अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बताओ किससे किया तुमने निकाह?
तुम नहीं जानती। वैसे एक बात है अनिका, तुमने उमेर से शादी ना करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इस बात का एहसास तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी तो होगा।